ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं अरवी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जो अभी 10th और 12th की एग्जाम खत्म हो रही है और उसके जो रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि भाई किसी को आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना है तो किस तरह से जाए, डिप्लोमा लेके जाए या डिग्री लेके जाए, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपके साथ दो पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, एक डिग्री और डिप्लोमा के बारे में। तो सबको कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमें ओवरसीज में पढ़ने जाना है, स्पेशली कनाडा के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो कनाडा में डिग्री लेके जाना अच्छा रहेगा या डिप्लोमा कोर्स लेके जाना अच्छा रहेगा, तो उसी के बारे में मैं आज आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। जो पॉइंट है, सबसे पहला है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, दूसरा होता है ड्यूरेशन, दोनों जो भी आप कोर्सेज सिलेक्ट करते हो आपके ग्रेजुएशन के लिए तो उसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, ड्यूरेशन रहेगी, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, स्कॉलरशिप वगैरह कैसी रहेगी, आपके पास स्कोप कितना रहेगा और कॉस्ट कितनी रहेगी। तो ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप जो भी आपकी ट्रेन करियर डेवलपमेंट के लिए जो कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो कनाडा, उसके अंदर आपको कौन से कोर्सेज और कौन से स्ट्रीम में जाना है, वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप अगर डिग्री कोर्स लेते हो तो उसके अंदर आपके पास 4 साल की डिग्री का कोर्सेज लगेगा, आपको मिनिमम 70% आपके पास रिजल्ट होना चाहिए और 4 साल का आपका कोर्स रहेगा तो फीस उसी के हिसाब से रहेगी। और जब डिप्लोमा होता है तो डिप्लोमा के अंदर आपको मिनिमम 65 जितने परसेंटेज होने चाहिए। डिग्री कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं तो आपके पास IELTS के बैंड होने चाहिए, 7 बैंड होने चाहिए। अगर आप डिप्लोमा सिलेक्ट करते हो तो डिप्लोमा के अंदर 6.5 बैंड आपका होना चाहिए, यानी कि ईच मॉड्यूल में आपके 6 बैंड होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ हो गए। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखानी पड़ती है जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपके SOP स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि आपके एडमिशन्स होने के चांसेस और बढ़ जाए। और डिप्लोमा के लिए मैंने जो आपको बताया, SOP बनाना होता है, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं होगा तो चलेगा, क्योंकि डिप्लोमा क्या पर्टिकुलर लेवल के लिए होता है, उसके अंदर जो कोर्स होता है कोर्स के बारे में ही पूरी डिटेलिंग आपको पढ़नी रहती है। पर डिग्री के अंदर पूरे 4 साल के अंदर टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर के हिसाब से आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्कोप के बारे में। तो स्कोप दोनों में इतना ही है अगर आप डिग्री होल्डर पास आउट हो या डिप्लोमा होता है, लेकिन हाँ, डिग्री होते हैं तो उसमें आपको 4 साल का जो मैंने आपको बताया, डिप्लोमा के अंदर आपको 1 साल का भी कोर्सेज होता है तो उसके अंदर आपको 3 ईयर की वर्क परमिट मिलती है। डिग्री के अंदर आपको 4 साल यूज़ करने पड़ते हैं आपके, उसके बाद आपको वर्क परमिट और उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा आपके पास स्कोप होता है डिग्री वाले में। रीज़न ऐसा होता है कि डिप्लोमा के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर आपने सिर्फ लैंग्वेज के लिए लिया है, तो लैंग्वेज के अंदर जैसे C++ है या Python है, वही लैंग्वेज के बारे में ही पूरा पढ़ाया जाता है। उसके सामने अगर आप पूरा डिग्री कोर्सेस लेते हो तो उसके अंदर 4 साल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो स्कोप के बारे में मैं बताऊँ तो डिग्री वाले स्कोप ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर आपके पास लिमिटेशन हो जाती है, पर जब डिग्री में होती है तो आपके पास बहुत वाइड एरिया हो जाता है। बात करते हैं जॉब की, तो ऑब्वियसली डिग्री वाले को ज़्यादा जॉब हाई पे मिलता है कंपेयर टू कैनेडियन गवर्नमेंट्स नो, और डिप्लोमा वालों को बहुत कम मिलता है बिकॉज ऑफ उनके पास लिमिटेड ही स्टडी का नॉलेज होता है एज पर कैनेडियन गवर्नमेंट लॉ, तो उनको उसी हिसाब से मिलता है। डिग्री वाले को ज़्यादा मिलता है, डिग्री वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। बट वन मोर थिंग, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि भाई अभी हम डिग्री ही लेके जाए या डिग्री का कोर्स ही ले या फिर डिप्लोमा कोर्सेज हमारे लिए अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग डिप्लोमा कोर्सेज लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वो 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप जो वर्क परमिट मिलती है, वर्क परमिट के अंदर जॉब करने के बाद PR लेने के बाद भी डिग्री कोर्सेज करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। डिमोटिवेट करने का नहीं होता है कि भाई आपको डिग्री ही लेना है, डिप्लोमा के अंदर भी आप जा सकते हो। बट मैं जब कंपेरिजन आपको बता रही हूँ कि डिग्री के अंदर किस तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो डिग्री में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। लोकल वहाँ भी जितने भी जॉब्स होते हैं, जॉब्स के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस और सैलरी दोनों हाई मिलता है डिग्री वाले को एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा वाले को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप हमेशा यूनिवर्सिटी में मिलती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी कल्चर्स के लोग आते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं,
तो हर साल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट के हिसाब से ग्रांट मिलती है कि आपको एक्स अमाउंट जितनी आपको स्कॉलरशिप देनी है जो भी ओवरसीज के लिए बच्चे पढ़ने आते हैं उनको। और यूनिवर्स और जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेजेस के अंदर आपको कभी भी कोई भी टाइप की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो ये एक ड्रॉबैक रहता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एज कम्पेयर टू डिग्री के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते होते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी कल्चर्स मिल जाते हैं, काफ़ी को करिकुलर एक्टिविटी मिल जाती है, जो भी अलग अलग कंट्री से आते हैं तो कल्चरल एक्टिविटी मिल जाती है, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो ये डिफरेंस रहता है आपको स्कॉलरशिप के अंदर दोनों जो भी कोर्स आप लेते हैं उसके बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट के बारे में। आप अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो और सामने कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो कोर्सेज के हिसाब के आपकी फ़ीस रहती है। अगर हम डिप्लोमा सिलेक्ट करते हैं तो 30 to 35,000 में आपकी पूरी डिप्लोमा की स्टडी कंप्लीट हो जाती है, बट एज़ कम्पेयर टू अगर हम डिग्री कोर्सेज लेते हैं तो पर कोर्स की पर एनम उनकी जो भी अमाउंट होती है 15,000 to 20,000 कैनेडियन डॉलर के आसपास होती है। तो आपको 4 साल के गिन के चलना चाहिए। तो मैं यही बता रही हूँ आपको कि दोनों आपके लिए सही है एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डिग्री लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बस मुझे कनाडा में जाना है, वहाँ जाके मेरे को एक कोर्स लेना है, कोर्स लेने के बाद मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा, उसके बाद वर्क परमिट के बाद पीआर करने के बाद फिर मुझे आगे कोई स्टडी कंप्लीट करनी है, तो वो आपके लिए अच्छा है, विन विन कंडीशन हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं है कि डिग्री करे तो ही आप वहाँ सेटल हो सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कनाडा के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज लेके जाते हैं, वहाँ पे छोटी मोटी जॉब ढूंढने के बाद खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, ड्राइविंग में जा सकते हैं, मॉल वगैरह के अंदर छोटी छोटी जो भी ग्रोसरी स्टोर्स है वो भी ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, जस्ट मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया कि अगर आपको कौन से कोर्सेज में जाना है, किस तरह से आपको एडमिशन्स लेना है, तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। तो ये होता है कि डिग्री के अंदर भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि 2 साल की डिग्री करते हैं उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज में चले जाते हैं, फिर वर्क परमिट के बाद पीआर हो जाते हैं, उसके बाद वापस से उनका डिग्री का जो भी बाकी स्टडी रहती है 2 साल की 4 साल के डिग्री में से। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने पहले 2 साल कंप्लीट कर दिए हैं और उसके बाद गैप लेके दूसरे बार वो कोर्स कंटिन्यू करते हो तो 2 साल की आपके जो सब्जेक्ट क्रेडिट है वो उसमें ऐड हो जाती है, तो सिर्फ आपका पढ़ना 2 साल का ही रहता है। तो ये भी एक टाइप रहता है आपको वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो गाइस मैंने आपका आज पूरा का पूरा जो भी कंफ्यूजन था कि भाई कनाडा में डिग्री कोर्सेस अच्छा है डिप्लोमा है, तो डिपेंड होता है कि आपके पास फंडिंग कितना है, आपके पास लोन कितनी आपको मिलती है, आप कितना स्टडी अफोर्ड कर सकते हो, आप कितना करियर ओरिएंटेड हो कि आपको स्टडी के हिसाब से ही जॉब करनी है, कोई बिजनेस पर्पस के हिसाब से जाते हैं तो उसके लिए डिप्लोमा सही रहता है। तो वो डिपेंड होता है कि आपको वहाँ पे किस पर्पस से जाना है, किस टाइप के करियर को डेवलप करने में जाना है। तो ये वीडियो आपको इसी के लिए हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे पता चले कि मैं वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट दे रही हूँ आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं। तब तक मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।